नमस्कार, बिहार के नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। आज उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में रालोसपा द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उपेंद्र कुशवाहा इसमें शामिल भी हुए, जहां पर मंच से उन्होंने जोरदार भाषण दिया। भाषण के बाद जब मीडिया कर्मियों से वह बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। आपको बता दें कि कल ही उनकी मुलाकात अहमद पटेल से हुई थी, और उसके बाद अब यह कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी ही वो महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। इसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अगला कदम के लिए थोड़ा और आपको इंतजार करना है। हमने पहले ही कहा है, एनडीए से संबंध को मैंने तोड़ लिया, इस बात की घोषणा हो गई, लेकिन आगे क्या करना है, जो विकल्प हमारे सामने है, उन विकल्पों पर विचार करके जल्दी डिसीजन करेंगे। कल की मुलाकात का क्या मतलब लगाया? मतलब तो आप लगाइएगा, हमको मतलब लगाने की जरूरत तो नहीं है। हम हमारे साथ तो आए, मुलाकात हुई, बात हुई, क्या बात हुई बाहर हम बता भी नहीं सकते हैं, और आप लगाइए। 20 तारीख को अब क्या लगाने वालों की स्वतंत्रता है, कर नहीं सकता हूँ, क्या आप भी लगा सकते हैं। 20 तारीख को महागठबंधन की बैठक है, इसमें शामिल होंगे। हमने कहा कि अभी डिसीजन हमने नहीं लिया है, विकल्प हमारे सामने कई है, उन विकल्पों में एक विकल्प महागठबंधन का भी है, लेकिन हमको करना क्या है इस पर निर्णय अंतिम रूप से हमने नहीं लिया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि जो उनके बागी विधायक हैं सुधांशु शेखर, ललन पासवान और जो तीसरे एमएलसी हैं, उन्होंने आरोप लगाया था अफसरवाद का उपेंद्र कुशवाहा पर, साथ ही पार्टी सिंबल पंखे के निशान पर भी दावा ठोकने की बात कही थी। इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधते हुए नजर आए और बिना मीडिया का जवाब दिए हुए वहां से निकल गए। और जहां स्वार्थ साधते हैं वहीं आप घुस जाते हैं। चलिए, इसके चलते हमारे सहयोगी सुजीत सागर लगातार एसके मेमोरियल हॉल से हमें रालोसपा से जुड़ी तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे थे, और यह अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, Facebook पेज पर लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।